हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, जैसे कि दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। तो त्यौहारों पर कुछ मिठाई बनाना तो बनता है। सभी अपने घरों पर अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मिठाई लेके आई हूँ जो सभी को बहुत ही पसंद होती है। वो है रसगुल्ला, जिसे हम तीन चीज़ों से बनाएंगे, दूध, चीनी और नींबू। ये रसगुल्ले एकदम प्योर बनेंगे, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ 1 लीटर फुल फैट वाला दूध लिया है। इससे 50 से 60 मिनी रसगुल्ले बन जाएंगे। अगर हम बड़े रसगुल्ले बनाएंगे तो 30 से 35 बनेंगे। दूध को अब हम उबाल आने तक का वेट करेंगे। दूध में उबाल आ गया है, गैस को बंद कर देंगे। अब हमें दूध को फाड़ना है। इसके लिए हमने 2 नींबू का रस लिया है। जितना हमारा नींबू का रस है, उतना ही हमें इसमें पानी मिलाना है। नींबू और पानी मिक्स हो गए हैं। अब हम दूध में नींबू पानी मिलाएंगे। थोड़ा सा नींबू पानी दूध में डालकर चलाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। एक साथ नींबू पानी हमें नहीं डालना है, फिर थोड़ा सा नींबू पानी डालेंगे और चलाएंगे। ये थोड़ा सा नींबू पानी बचा है, इसे हम नहीं डालेंगे, क्योंकि दूध हमारा पूरी तरह से फट चुका है। अब हम इसे छानेंगे। छानने के लिए हमने यहाँ एक बर्तन के ऊपर छलनी और छलनी के ऊपर एक कॉटन का गीला कपड़ा रखा है। सूखा कपड़ा छानने में प्रॉब्लम देता है, गीले कपड़े पर छेना आसानी से कलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसमें छेना डालेंगे और इसे अच्छे से निचोड़ेंगे। फिर ऊपर से हम ठंडा साफ पानी डालेंगे, जिससे इसका नींबू का खट्टापन निकल जाए, और दोबारा अच्छे से निचोड़ लेंगे। छेना में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये जो पानी बचा है, इसे फेंकना नहीं है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसका आप आटा लगा सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं या फिर पी सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम इस छेने को 1 घंटे तक टांग कर रख देंगे, जिससे कि ये एक्स्ट्रा नमी सूख जाए। अब हम रसगुल्ले के लिए चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ 1.5 कप चीनी और 4 कप पानी लिया है। इसे हमें केवल उबालना है। जब तक चाशनी उबलेगी, हम छेना का काम कर लेते हैं। छेना हमारा ऐसा होना चाहिए, ये एकदम से सूखा सा हो गया है और नमी बिल्कुल नहीं है। इसे हम हाथ से मैश करेंगे तो प्रॉब्लम आती है। हम ऐसा करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें छेना को डालेंगे और मिक्सी को एक ही बार चलाकर इसे पीसेंगे। ज़्यादा इसे नहीं पीसना है। ये कुछ ऐसा पेस्ट बनाना है। ये बिल्कुल रेडी है, इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। इसे मैश नहीं करना है, बस इसका रोल बनाकर 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। इसके अब छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेंगे। हम मिनी रसगुल्ले बना रहे हैं, इसलिए छोटे टुकड़े ही तोड़ेंगे। ये ध्यान रखना है कि जिस साइज का हम टुकड़ा तोड़ेंगे, चाशनी में डालने के बाद वो 2 गुना बढ़ जाएगा। सारे टुकड़े हो गए हैं। अब हमें इसे हाथ में लेकर गोल गोल करके घुमाना है। इसी तरीके से हल्के हाथ से हम सारे छेने के गोले बना लेंगे। अब हम प्लेट को इस तरह से हिला देंगे, ताकि ये प्लेट से चिपके नहीं। गोले भी हमारे तैयार हैं और चाशनी भी उबल गई है। अब इन गोलों को चाशनी के अंदर डालना है। ये ध्यान रखना है कि चाशनी उबलती हुई होनी चाहिए। अब फटाफट इसे ढक देंगे। गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना है, ताकि इसमें बुलबुले आते रहें। इन्हें 10 से 15 मिनट तक उबालना है। हर 2 मिनट में चम्मच से इस तरह से हिलाते रहेंगे, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं।
15 मिनट हो गए हैं, चाशनी भी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और रसगुल्ले भी अच्छे तरीके से फूल कर पक गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, आप ना डालें तो स्किप भी कर सकते हैं। इलायची पाउडर डालने के बाद इसे 5 से 6 घंटे तक ढककर रख देंगे। 5 से 6 घंटे हो गए हैं, इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे बने हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं। इन्हें आप अपने घर पर जरूर बनाकर देखें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।